भाई यही त्योहार ना ये भी है, अगर आप पैदल आए हो ना ऐसे करके ले लो आ दो जी। तो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुक्कर प्रेम। तो गाइज देख लो आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप भी कहोगे यार ये नारियल की रेडी पे क्या कर रहा हूँ मैं, नारियल की रेडी पे। या तो आप लोग सोच रहे होगे यार कोई चैलेंज वैलेंज लेने आया होगा। यार वैसे मोस्टली आपको पता ही है मैं चैलेंज तो लेता नहीं हूँ, मतलब वैसे मैं वीडियो लेता हूँ सिर्फ टेस्ट शेयर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि चैलेंज में मेरे को पूरा विश्वास नहीं होता यार। क्या वेस्टेज ऑफ फूड होता है, वेस्टेज ऑफ मनी होती है। ठीक है गाइज, आप कुछ पैसों के लिए मतलब चीज़ें कर लेते हो, लेकिन चलो मैं आज आपको कुछ यूनिक दिखाने के लिए लाया हूँ। ठीक है, कल मैं नारियल पानी लेने के लिए आया था, तो मेरे को इनको जो मतलब घर पे पैक करने का, मतलब कि लोग पॉलिथीन में देते हैं, बट इनका कुछ यूनिक स्टाइल है कि ये कैसे लोगों को देते हैं, प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करते ये लोग। तो अब आपको वो यूनिक स्टाइल दिखाने का, अगर आपको घर पर लेके जाना है तो वो कैसे देते हैं आपको, मतलब कि आप लेके जाओ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, भैया से मिलवाता हूँ और दिखाते हैं आपको यूनिक स्टाइल के। तो भाई सबसे पहले तो देख लो जी कहाँ पे हूँ मैं, ये नारियल कोकोनट वाटर की मतलब कार्ट पे हूँ मैं, और ये हमारे भैया। नमस्कार भैया, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया है सर, आप सुनाइए। बढ़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है सर। मनीष, और कब से नारियल लगा रहे हो ये? दो साल से लगा रहा हूँ सर। दो साल से। सबसे पहले तो लोकेशन बता दो आप। लोकेशन? हाँ, मतलब एड्रेस क्या है यहाँ का? यहाँ का सेक्टर 26। सेक्टर 26, अच्छा। मेरे अपोजिट है सेक्टर 26 है, और सामने जो है सेक्टर 30 है, जिला अस्पताल। ठीक है, बिल्कुल सामने लगाते हैं। बिल्कुल सामने। बारी आती है जी भैया, कोकोनट वाटर का प्राइस बताओ कितने का? 60 रुपये सर। 60 रुपये का प्राइस है जी, और हम लेने आए जी, अब हमारे को दो कोकोनट वाटर दे दो आप। ठीक है सर, घर पे लेके जाने हैं मुझे पानी वाले। पानी यहाँ पे देखना जी, हथियार भैया निकाल दिया सबसे पहले, तो हथियार देखो कितना बड़ा है, मतलब देखते ही डर लग जाता है। और यहाँ पे आ गया जी इनका कोकोनट। इन लोगों के भी ना कटिंग स्किल्स होते हैं, कई लोग क्या करते हैं पानी निकाल देते हैं उसी वक्त। अब आपको घर पे लेके जाना है तो पानी निकल जाए तो वो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक कट गया, एकदम फर्स्ट क्लास पानी वाला दूंगा। यहाँ पे दूसरा आ जाए, मतलब ये भैया आप एक बात बताओ इस चीज़ में, वीडियो को अपने दर्शकों को भी ये बताते हैं, सब्सक्राइबर्स को, मतलब जैसे नारियल पानी हम लोग लेने के लिए जाते हैं, मतलब क्या चीज़ देखनी चाहिए कि उसमें पानी अच्छा निकले? हमें जिस चीज़ की ज़रूरत बोले, कस्टमर बोलेगा कि मलाई वाला चाहिए तो मलाई वाला देंगे, पानी वाला चाहिए तो पानी वाला देंगे। कैसा होता है वो साइज में? पानी वाला साइज में साइज का कोई फर्क नहीं रहता है, खाली इतना फर्क रहता है कि हम लोग जिसको नारियल को जो है बजा के देखते हैं। अच्छा, इसका आवाज़ अगर ज़्यादा आया टन टन करके बोला तो समझ लो मलाई वाला है। अच्छा। और थोड़ा आवाज़ इसका धीमा आया जैसे कर ये बजा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो पानी वाला नारियल है। अच्छा। और ये जो बजाऊंगा मैं ऐसे करके, देखो इसमें इसका साउंड ज़्यादा आता है। अच्छा अच्छा, ये मलाई वाला नारियल है। अच्छा, तो ये पहचान होती है? ये पहचान होती है। ठीक है, तो मुझे घर पे लेके जानी है तो मतलब आप कैसे दोगे मुझे? आप पॉलीथीन तो है नहीं? पॉलीथीन नहीं है सर, मेरी बात रस्सी है। पॉलीथीन में जो है अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब देसी जुगाड़ कर रहे हैं आप। बिल्कुल सर, देसी जुगाड़। हमारे दर्शकों को दिखाओ क्या है जी। देखिए सर, मैं इसको जो है इस तरफ मैं छेद करता हूँ, ये सुआ है मेरे हाथ में। अच्छा, और ये रस्सी है। अच्छा, और इसको मैं इस तरह बांधता हूँ। ये एक नारियल आ गया, और ये दूसरा नारियल आ गया, ये दूसरा आ गया। तो आप एक काम करो, एक और नारियल कर दो। और एक कर दूँ सर? अच्छा, अगर मैं तो तीन चाहिए हो तो तीन कैसे लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल सर, तीनों इसमें ही आ जाएंगे। इसमें कितने आप मैक्सिमम कर देते हो? मैक्सिमम इसमें 6 नारियल कर देते हैं एक बार में। अच्छा, ये तीसरा आ गया सर। ठीक है, और तीसरा भी जो मैं इसी में ऐड कर दूँगा। अच्छा जी, और ये ऐड करने के बाद आराम से आदमी लेके जा सकता है। पॉलीथीन जो फट जाती है और नारियल नीचे गिर जाता है। अच्छा, उससे कस्टमर का भी नुकसान होता है और जो है वातावरण का भी नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी लिहाज से जो है मैंने अपनी देसी जुगाड़ करी है ये के बड़े आराम से। जो चीज़ कभी किसी ने सोची नहीं होगी ना भैया ने, वो दिमाग लगा के ना, और ऐसे देख लो हार्ड टाइप का बना के देंगे हम। बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे बाइक पे ले जाओ, चाहे हाथ में ले जाओ, चाहे गाड़ी में रख के ले जाओ, इससे कोई परेशानी नहीं होती है। बाकी पॉलीथीन में जो है आराम से परेशानी होती है। ये तीन नारियल का बन जाएंगे यहाँ पर ना, तीन नारियल, मतलब देखो मैं आदमी लेके दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा, ये तीन नारियल जो है ना, मतलब विदाउट पॉलीथीन अब आप इसको लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर गाइस देखो, मतलब बिना पॉलीथीन के ना तीन नारियल मेरे हाथ में आ चुके। अब जैसे मैं स्कूटी पे आया था ना, इसको मैं स्कूटी पे आराम से हैंग कर सकता हूँ, इसको मैं स्कूटी पे आराम से हैंग कर सकता हूँ, ऐसे भी ले जा सकता हूँ जी। देखो एक लोग आज ना, ये भी आप पैदल आए हो तो भैया ने जैसे हमें करके देख लिया, यहाँ हैंग करो और आ दो जी, आ दो जी। तो मतलब काफी मतलब तरीके हैं इसको ले जाने के। जैसे मैं स्कूटी पे आया हूँ, आपको दिखाता हूँ स्कूटी पे कैसे मैं इसको हैंग कर सकता हूँ। ये देखो जी, ये मेरी स्कूटी खड़ी है, आ दो। ये मेरी स्कूटी खड़ी है जी, और ये यहाँ पे लग गया जी। तो यहाँ पर ना मैंने नारियल लगा दिए, देखो विदाउट पॉलीथीन ना मतलब क्या क्या कर सकते हो आप इसके साथ। आप तो मतलब लाइक
विदाउट पोलिथीन भैया ने जुगाड़ बना दिया कि मतलब देसी जुगाड़ बना दिया कि विदाउट पोलिथीन भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो भाई साहब भैया ने मेरे को दे दिया नारियल पानी वाला दे दिया, गरी वाला मेरे को चाहिए नहीं था, गर्मी हो रही है मेरे का पानी पीऊंगा यार, गरी तो खाते रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपको भी भैया ने पहचान, एक चीज़ और बता दिया आपको कि अगर पानी वाला चाहिए हो तो क्या पहचान होती है, साउंड से पहचान होती है, वो भी आपने देख लिया। तो भाई जिसको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और किस किस ने ऐसा देसी जुगाड़ देखा है कमेंट में बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, भूखा डिंडा चलता है अपने नेक्स्ट शो में, थैंक यू गाइस।